अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक एलईडी बल्ब जो कि हमारे घर में इस तरह का जो होता है ब्रांडेड एलईडी बल्ब, इसका जो ड्राइवर होता है वो ख़राब हो जाता है। जैसे कि देख सकते हैं, इसका ट्रैक ख़राब हो गया है इस एलईडी बल्ब का ड्राइवर का। ये पूरा उड़ गया था, इंडक्टर भी उड़ गया था इसका। तो चलिए आज हम जानेंगे कि कैसे इस बिना ड्राइवर का एलईडी बल्ब जला के देखेंगे इसकी मदद से। ये लोग शायद ये वाला शायद आप जानते होंगे, लेकिन ये कैसे वर्क करता है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसमें कौन कौन से आईसी लगे हुए थे हैं, तो चलिए आज का कनेक्शन भी देखेंगे आज कैसे कर किया जाता है, अगर जिसको नहीं पता होगा उसके लिए। तो ये वाला मैंने 20 वॉट का लिया है। एक और मैं इसी तरह का यूज़ कर रहा था, इसमें ये वाला 15 वॉट का है और ये वाला 20 वॉट का है। चलिए अब पहले इसका टेस्ट करके देख लेते हैं कि इसका वायरिंग और ये किस तरह से होता है। बहुत ही आसान है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एल और एन लिखा हुआ है। एन मतलब हो गया न्यूट्रल जोड़ना और एक मतलब लाइन जोड़ना है। एसी वायर इसमें जोड़ना है जो कि 220 वोल्ट आउट करता है। और ये वाला जो है ये एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर आईसी लगा हुआ है। ये वाला ड्राइवर आईसी लगा हुआ है दो, वो इसके करंट और वोल्टेज को कम करने के लिए इसके हिसाब से एलईडी के हिसाब से, इसकी वजह से एलईडी ख़राब नहीं होंगी जल्दी। कुछ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा हुआ है असेंबली। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वो एलईडी का ड्राइवर खोल लिया। यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर छोटा सा फटा हुआ था। और आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे ट्रैक है जो टूट चुके हैं। तो बहुत सारे ये भी एक प्रॉब्लम आता है कि ट्रैक टूट जाता है इसमें से। तो कुछ ऐसे ट्रैक टूट जाते हैं जो बहुत ही मुश्किल होता है इसे जोड़ना। चलिए अब इसके जगह हम ये लगा के देख लेते हैं। हम चलिए अब ये एलईडी का जो बल्ब होता है उसमें जो वायर यूज़ किया जाता है उस तरह लचीला जैसा होता है रबर की तरह, जो कि जलता नहीं है। देख सकते हैं, देखिए इस तरह का वायर होता है जो कि जलता नहीं है, हीट से कोई भी इसे प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो इस तरह के वायर्स होते हैं देख सकते हैं, इस तरह के वायर्स हो जाते हैं जो हम यूज़ करते हैं, ये आराम से हीट से जल जाता है। देख सकते हैं किस तरह से जल गया है, अंदर का ही वायर दिख रहा है इसमें। अगर आपके पास इसी तरह का वायर हो तो यही वाला वायर यूज़ करें। देख सकते कितना अच्छा से हो रहा है, ये हीट से ये प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है वायर, जो कि शॉर्ट ना जलता ना शॉर्ट करता है। यहाँ पे मैंने हीट सिंक के साथ पेस्ट लगा लिया, आप भी पेस्ट ही यूज़ करें वरना फिर हीट अच्छे से ऑलरेडी तक नहीं जा पाएगा। तो वायर लगा लेते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, मैंने इसमें वायर भी लगा लिया देख सकते हैं। चलिए अभी से इससे कनेक्ट कर लेते हैं। क्लिप यूज़ करूँगा जो कि हीट इसमें काम नहीं करता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बल्ब पूरी तरह से रेडी हो चुका है। देख सकते हैं किस तरह से कनेक्शन किया मैंने, तो स्लीव लगा लीजिए इसको वरना फिर वायर बर्न हो सकती है। चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं। मैंने लाइन में लगा लिया है, देख सकते हैं ये किस तरह से जल रहा है। ब्लिंक इसलिए कर रहा है क्योंकि ये प्लस माइनस फ्लक्चुएट कर रहा है। सर को लगा के देखते हैं किस तरह से जल रहा है।
ये कैमरा में फ्लक्चुएट करते हुए दिखा रहा है, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल से जल रहा है। आप भी करके देखिएगा तो जान जाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। I'm not afraid to die.